हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। वो छत पे आके बैठा था अभी, मौसम तो ज़्यादा बढ़िया, टाइम हो गया 7:30, मौसम हो रहा है बढ़िया। तो देखो पहले तो मौसम देखो आप लोग सब, बादल हुए सारे में, बारिश पड़ने का नाम नहीं है लेकिन बादल हो रहे हैं। कल भी बढ़िया वाले बादल हो रहे थे, बारिश पड़ी नहीं, अभी बारिश पड़ जाएगी लेकिन गर्मी भी उतनी हो रही है। अभी मौसम में इतनी तो चेंजिंग आई है कि हाँ, रात को ऐसे बंद करना पड़ता है और दिन में भी दोपहर में चलाना पड़ता है। भाई पता नहीं कितने दिनों बाद ऊपर आया हूँ मैं, क्योंकि ऊपर आने का टाइम नहीं मिलता। जब से क्लिनिक शुरू करा है, सुबह उठो जाओ और शाम को आओ, खाना खाओ, घूमो बाहर, ऊपर अंधेरा रहता है, रहते नहीं इसी वजह से। तो ऊपर तो भूल के जाना, लेकिन अब ऊपर थोड़ा साफ सफाई करनी है भाई। यहाँ पे बेकना है सारा लोहे वगैरह, क्योंकि बेकार लग रहा है, पूरी छत खराब लग रही है इसकी वजह से, डस्ट की वजह से। डस्ट है वो बोलता है, टाइल के नीचे बिछाने वाला वो है ये। देखो बादल कितने बड़े लग रहे देखने में। हमारे बड़े तो सो रही है भाई, रात को एक बजे सोते हो, हमारी भी आँख लेट को लेफ्ट में है, वो सो जाए जल्दी तो हम भी जल्दी उठ जाए, लेकिन अभी तो मैडम सो रही भाई वो भी। तो बिरट हत्या कर उठाता हूँ ना मैं, कच्ची नहीं तो बिरट जा। हेलो मैम, मैम वैष्णवी मैम, मैम आ जा, उठ गया मेरा बेटा, उठ गया मेरा बेटा, उठ गया भाई, उठ गया। चलो दादू के पास, दादू के पास चलेगा है? दादू को माम माम करने चलेगा वैष्णवी माम माम। गई घूमी घूमी सोना करा, तो गई घूमी घूमी, जा कर नहीं दांत। अच्छा नहीं, आ जाओ। अच्छा अरे देख कौन है, सोना बाबू देख, दाने रखे वैष्णवी के, दिखाइए कहाँ है। देखो देखो जाओ, पकड़िए 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 पकड़िए, दाने ले, दाने दाने ले दादू रखे। दाने ले दादू, दादू दाने ले लो, जल्दी जाओ। आप सुसु करा बेटा, सुसु करा के सुस जाओ, सुसु करेगा वहां से, वहां से सुसु। तो गाइस मैं और वैष्णवी जा रहे चीज़ लेने के लिए, क्या लाऊंगे? ची ची लाएगी भाई। गाइस तो जा चुके हैं गुड़े के पापा अपनी जॉब पर, और फिलहाल तो मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर का काम करूँगी। और पसीनों में हालत हो गई ख़राब, बहुत बुरे वाली, बहुत बुरा हाल है गाइस पसीनों में गर्मी का। और कल कपड़े धोए थे ना तो हल्के से गीले रह रहे थे, धूप निकल रही है आज बहुत ही अच्छी अच्छी, काफ़ी धूप निकल रही है। तो अभी सबसे पहले कपड़े सुखाती हूँ जो गिले रह रहे हैं। बाकी आज मैं सोच रही थी आज गोपाल जी की ड्रेस सिलूं, क्योंकि मेरे पास ना कपड़ा रखा है, तो आज गोपाल जी की ड्रेस सिलूंगी। गाइस तो आज वैष्णवी जल्दी सो चुकी है, और अभी पता मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं ना पेड़ों में पानी दे रही हूँ केमिकल मिला के, और सारे ग्रीन ग्रीन हो जाए प्लांट्स इसीलिए। तो ये थोड़े मटियाले कलर का है, चलती हूँ बाहर प्लांट पानी देने। मैंने मशीन रखी है ताकि मशीन जो है अच्छे से सूख जाए, और फिर जो मैंने उसके ना सामान निकाल कर रख रखा है ताकि सामान अच्छे से तेल में डूब जाए, और फिर मैं ना उसमें एडजस्ट कर दूंगी। ये हाँ मुझे धोना दिया है, सारा गंदा हुआ पड़ा। वैष्णवी की रिक्शा जो टूट रही थी वो ठीक होने के लिए जाएगी। तो सारा काम हो चुका है फिनिश, और अभी मम्मी आई है ऊपर जब वो काटा लेके, और आज अब तोड़ेंगे जवे। मैं इस सीजन के पहले जवे तोड़ूंगी अब, वो भी इसलिए क्योंकि जब तोड़ रही थी मम्मी जवे तब मैं देहरादून थी, तब जवे नहीं टूटे थे। और अभी हमें लगा कि भाई उस पर रक्षाबंधन बनाने के लिए जवे नहीं है, जो ताजे ताजे जवे तोड़े जाते हैं वो अब हम तोड़ेंगे। तोड़ रहे हैं दूध में बनाओगे? हमारे यहाँ पर ना जो मतलब रक्षाबंधन आती है ना, रक्षाबंधन वाले दिन ना सुबह के टाइम जवे बनते हैं, वो भी दूध के, उससे ना पूजा पूजी जाती है, हाँ उससे पूजा होती है। तो बस उसी के लिए जवे तोड़ रहे हैं। और गाइस मेरी मशीन हो रही थी कई दिन से खराब, तो हमने मशीन वाला बैठाया था ठीक करने के लिए, पर उसने जो है ये बोला था कि क्या नाम 120 रुपये तो खोलने के लूंगा, और बाकी जो ऑर्गन्स डलेंगे इसके अंदर वो अलग से। तो मुझे पता था कि मशीन में इतना कुछ नहीं है, पहले जो मैंने ट्राई किया मशीन का खोल के, मतलब बहुत ट्राई करा कि पर वो सेट नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जितने भी ऑर्गन है उसके सारे निकाल के, और एक कटोरी लेके उसके अंदर तेल डाल के मशीन का, और उसमें सारे ऑर्गन्स डाल के उसके जितने मशीन के ऑर्गन्स होते हैं तो वो डाल के मैंने फिर अब एडजस्ट करी, और जो उसकी मतलब ऐसा घुमाया, पैच वगैरह घुमाए, तो बहुत अच्छी हो चुकी है मेरी मशीन।
वरना देख लीजिए इतने पैसे लगते बिना बात की वेस्ट ही जाते है ना मम्मी जी। तो बताओ मिक्सरी बन के और क्या। तो हमारी मशीन तो अच्छे से ठीक होती है, पैसे बच गए, पैसे बच गए सबसे बड़ी बात है, बढ़िया मशीन चल गई। मेरे पापा ने सोच लिया कि इससे ज्यादा पैसे देने का मशीन ठीक करने में, वे पैसे फिर उन्होंने वापस अपना आप ही ले लिए थे, ला मुझे दे वापस वापस ले लिए थे। फिर तो भाई और वैसे भी सो चुकी है, सो गई थी ये। चला रही तो मशीन एक साइड कर देती हूँ, तोड़ लेते हैं हम जवे और मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस तो देखिए हमारे जवे, ये मेरे जवे, ये मैंने तोड़े बिना देखे और ये मैं देख देख कर तोड़ रही हूँ, बारीक बारीक सूजी के जवे है ना इस वजह से। और ये हमारा टना बहुत पतला हो रहा है और ये कर रही है मस्ती अपनी माँ जी के साथ, गंदी लड़की कैसे देख रही है। हाँ भैया भी चलाऊंगी। तो गाइस देखिए वरना मेरे साथ जवे बहुत अच्छे आते हैं तोड़ने, सूजी के जवे पता नहीं क्या अजीब तरीके से टूट रहे हैं, पर अब मैं देख देख कर तोड़ी, उस टाइम पे मैं देख रही तोड़ी, एक बत्ती के जवे ये, अब ये वाले जवे हैं मेरे ये वाले। ये तो 3 बज रहे, वैष्णवी फिर से सो चुकी है और सुबह 10 बजे से सोई थी ना, सवेरे से ना जल्दी सो गई। और ये देख लीजिए मैडम जी ने कितने सारे टोए यहाँ पर डाल रखे, गाइस आपको जवे दिखाते हैं कितने जवे तोड़े हैं, देख लीजिए कितने जवे तोड़े हैं। और जवे तोड़ते तोड़ते हो गई तबीयत ख़राब मेरी बहुत ज़्यादा, वो भी जुकाम हो गया, मतलब जो ये वाली साइड है ना, मेरा जब भी जुकाम होता है ना आधे साइड में होता है, ये आली ये वाली आँख, ये वाला सर, ये वाली नाक, इस साइड वाली इतनी दर्द करती है ना बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी सबसे पहले तो जो ये टोए भरती हूँ, क्योंकि ये टोए वैष्णवी ने इस तरीके से बखेर रखा, किसी के पैरों पर लग जाते हैं। एक दिन ना यहाँ पे एक टोए पड़ा तो मेरे पैरों पर इस तरीके से लगा, ब्लड निकलने लग गया था। और गाइस नीचे ना छिपकली फिरती रहती है छोटे वाली, तो वो वैष्णवी के जितने भी टॉय हैं उनके ऊपर मुंह ना लगा दे, उस वजह से ये भी डर लगता है। तो जल्दी से वैष्णवी के जितने भी टॉय हैं सब समेट के इसके बैग में भर देती हूँ। भर दिए इसके अंदर, अभी ने रख के आती हूँ मैं बाहर, क्योंकि अंदर रख के आएंगे वैष्णवी को फिर से मन करेगा इन्हें खिलाने का, तो इन्हें रख देती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो मेरा भी ऐसा मन कर रहा है लेटी रहूँ लगातार 3-4 घंटे तक जब तोड़ने के बाद, तो भी ना जब टूट ही रहे थे, आटा जितना था ना और बढ़ता जा रहा था, वो भी पता क्यों, क्योंकि सूजी का आटा था। तो हमने सोच मम्मी तो कहती भाई इतना सा करके लाए, वो होते होते इतना सारा आटा हो गया, क्योंकि फूलता है ना आटा इस वजह से। चले तो गाइस अब मैं जो है इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, ऑब्वियसली फिर मुझे एडिट करना है, वैसे नहीं उठ जाएगी तो फिर वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी इस कारण। चलो तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको आज का ब्लॉग लगा कैसा। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे।